नमस्कार, मैं हूं सुषमा। मेरे चैनल देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूं आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए देखते हैं। गणपति जी को भोग लगाने के लिए आज मैं बनाने जा रही हूं संदेश मोदक। ये मोदक खाने में जितने टेस्टी हैं, बनाने में उतने ही आसान हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। ये पनीर लिया है, एक कप पनीर है जो मार्केट में आता है, अमूल का मलाई पनीर, और इसको छोटे टुकड़े करके इसको मिक्सी जार में डाल दिया है। और इसको चला लेंगे एक बार, ताकि ये जो पनीर है काफ़ी बारीक हो जाए, इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। तो इसको चला लिया है मिक्सी में। अब इसके बाद एक बर्तन लेंगे, उसको गैस पर रख के उसमें 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे, देसी घी डाला है। और फिर उसमें ये जो हमने बारीक करके रखा हुआ है पनीर, इसको डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच पाउडर शुगर और 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। 1 कप पनीर लिया था, उसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर पड़ी है। अब इसको डाल के पहले बिना गैस जलाए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद गैस जलाएंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको पका लेंगे। तो धीरे धीरे देखेंगे, थोड़ी देर में जब चीनी पिघलेगी तो ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे ही चलाते हुए लगातार थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने तक इसको ऐसे चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस जब ये तला छोड़ने लगे, पैन का जो है बॉटम छूट जाए, गोला सा बनने लगे, बस तब तक इसको करना है। अब इसमें हमने थोड़ा एसेंस भी डाल दिया, आपके पास जो भी एसेंस हो, रसमलाई एसेंस हो तो वो डाल दें। फिर मैंने केवड़ा एसेंस डाला है, इसको डाल के और मिक्स कर दिया। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए एक बर्तन में रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें कुछ मैंने सूखे गुलाब की पत्तियां और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कटे हुए, उसको भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। बस देखा कितना आसान है, इसका मिक्सचर तैयार हो गया। बस अब आपको मोल्ड में लेके मोदक बनाने हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको, फिर इसको मोल्ड में घी लगा के थोड़ा ग्रीस कर लेंगे और उससे मोदक बना लेंगे। बहुत ही कम समय लगता है, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ये पूरा प्रिपरेशन सब तैयार हो जाता है, पूरा मिक्सचर, और ये फटाफट बन जाते हैं। और अगर आपके पास पनीर नहीं है तो पनीर आप दूध को फाड़ के पनीर बना सकते हैं। और इस तरीके से ये मोदक जो है, इसे मोल्ड में डाल के इसका मिक्सचर और बस दबा दिया, उससे ये मोदक तैयार हो गया। लीजिए, तैयार हैं आपके संदेश मोदक। बस गणपति जी को भोग लगाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं।